क्या हाल है, क्या हाल है आप सबके। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपना शुरुआत कर रहे हैं जर्नी। ज़्यादातर लोग आप नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नीट 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं। सो आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कमिटमेंट्स करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बायोलॉजी में जितनी मदद हो सके वो करूँ। आपसे भी मुझे एक कमिटमेंट चाहिए। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, कहने का मतलब ये है मेरा और आपका मिलके काम है, आपका कैरियर है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो जर्नी है जितनी आसान हो सके, जो मेरे से बन पड़ सके अगले 36-37 हफ्तों में, वो मैं आपके साथ मेहनत करूं। सो यहां पर हम बहुत सीरियस काम करने वाले हैं। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी है, हमें पता है बहुत सारे बच्चे इसमें अपियर होते हैं, बहुत कम सीट्स हैं और बहुत मेहनती बच्चा इसमें सेलेक्ट होता है। हम मेहनत में अपनी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये एक कमिटमेंट एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे की शक्ति बनते हैं। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपके साथ और मेहनत करूं और मैं भी आपको मोटिवेट करूं कि आप भी अपने कैरियर के लिए और ज्यादा मेहनत करें। एक पॉजिटिव फीडबैक जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी में, उस तरह का हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, तब जाकर के ऐसा लगेगा कि हम जो है एक दूसरे को मोटिवेटेड रखेंगे और हमारे नीट 2023 की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाएगी। सो आज जो है मैं ये चाह रहा हूं कि हम आज एक शुरुआत करें। और जो द लिविंग वर्ड है, पहला चैप्टर है क्लास 11th यूनिट 1 द लिविंग वर्ड, इससे मैं बायोलॉजी की डिस्कशन शुरू करना चाह रहा हूं। सो पहले तो ये बताइए कि आप लोग हैं कैसे, किस क्या, क्या 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 आपके कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज, कोई स्टेट कौन सा है आपका, आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं। एक बार एक दूसरे को जानने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जल्दी से लिख दीजिए कि आप किस स्टेट या सिटी को बिलोंग करते हैं। दैट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर मी एज वेल। सो नागालैंड, वेरी गुड वेरी गुड। एंड कश्मीर, वेलकम टू यू ऑल, ऑल गुड सर फ्रॉम दिल्ली। और देवास फ्रॉम मध्य प्रदेश, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। सो दैट मीन्स वी हैव अ फेयरली रिप्रेजेंटेटिव क्राउड। और बड़ी मुझे खुशी हो रही है, आप में से ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो 2023 का एग्जाम लिख रहे हैं। सो 2023 जो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होना है, वो कितने लोग हैं जो इस एग्जाम को लिख रहे हैं। So that is very very good. I welcome you all. So बेटे मतलब I had been to Kerala as well. मैं केरला भी होके आया हूँ। Very very good. Very very beautiful. Very very beautiful state. West Bengal. Welcome बेटे. Welcome. Odisha. So that is very very encouraging. This is the power of technology. ये technology की power है बेटे। और जैसा मैंने आपसे कहा, हमें एक दूसरे की source of inspiration बनना है। Source of inspiration बनना है। ज़्यादातर लोग लिख रहे हैं कि they are from 2023 and this is why we are starting chapter 1 class 11th unit 1. So मुझे बताइए कि इस चैप्टर में, देखिए इस चैप्टर को परस्पेक्टिव में रखते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएगा। सो मेरा जो पहला जो चीज है, सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहां से कितने क्वेश्चन हमारे किस में आने हैं, नीट एंट्रेंस एग्जाम में आने हैं। सो द नंबर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इन नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जरूरी इसलिए क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत जगह इस्तेमाल होने, सेल बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होना है। और जिस तरह से नीट 2022 का फेस चेंज हुआ है, यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत शानदार एसर्शन रीजन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए अब मैं शुरू करूंगा। आपको एक और चीज बताता हूं, दिस वुड बी एन इंटरैक्टिव सेक्शन। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मेरा जवाब भी देना है, मैं होमवर्क भी दूंगा, मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप होमवर्क भी करके आएंगे, मैं कुछ लोगों के नाम भी याद करूंगा चैट में देख करके, आपसे ये भी पूछ सकता हूं आपने ये काम किया कि नहीं किया, अगली क्लास में पिछले साल के क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूं। सो ये मोनोलॉग नहीं है, केवल मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, केवल एक टाइम पास नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस दैट वी आर डूइंग हियर। मुझे पता है कैरियर स्टेक पर
है, मैं मेडिकल कॉलेज से निकला हूं, इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपके साथ की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चैप्टर में क्या चीज आपको मुश्किल लगती है ये एक बार और मुझे बताइए, कि लिविंग वर्ड जरूर आप सबने पढ़ा हुआ होगा, ये बताइए कि इसमें क्या क्या चीज आपको डिफिकल्ट लगती है। सो व्हाट इज द डिफिकल्ट थिंग, सो डिफिकल्ट चीज क्या है ये जरूर बताइए। सो हमने ये कहा कि हम जो है यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ से नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये आपका चैप्टर है, और इस चैप्टर में जैसा हम कह रहे हैं कि एक चैप्टर एक जो है हम करते हैं। सो एक मिनट बेटे, एक सेकंड के लिए, आई थिंक इट इज़ ऑल गुड। टेक्सोनॉमिकल एड्स, सो टेक्सोनॉमिकल एड्स, व्हाट इज लिविंग, ये वो कुछ चीजें हैं जो आप यहां से मुश्किल फेस करते हैं। चलिए एनसीईआरटी बेस्ड काम करेंगे, नीट 2023 में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, उसके बाद भी बायोलॉजी में लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल था, इट वॉज अ स्टेटमेंट बेस्ड पेपर। सो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला आपकी एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन ये कह रही है कि ये बताइए कि जब आप लिविंग की बात करते हैं, so what exactly is living? अब तक आपने ये देखा कि biology is a study of life, biology is a study of living things, ये आप कई साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि living कहते किसे हैं? Now this is the first question जो आपकी biology class 10th की NCERT से extend कर रही है। Class 10th NCERT एक मिनट के लिए recollect कीजिए, जहां पर जब movement की बात हुई थी तो आपकी NCERT ने life process के शुरू में ये कहा कि लाइफ प्रोसेसेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए कहा जाता है, वो मूवमेंट जो आपको आंख से दिखाई नहीं देते, वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो कंटीन्यूअस फ्लक्स है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रहा है, क्लास 10th एनसीईआरटी में वो जो ऐसा मूवमेंट है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। यहां पर अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? So NCERT जिस पहली चीज की बात करती है, this is actually growth. So देखिए बेटे, मैं पहली लाइन आपको समझा रहा हूं, पहला ही क्वेश्चन। ग्रोथ की जब भी बात होगी, आप दो तरह से ग्रोथ को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। So if you have read NCERT, पहली चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि ग्रोथ का मतलब या तो इंक्रीज इन नंबर भी हो सकता है या इंक्रीज इन साइज। सो पहली चीज तो यह समझिए कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, या तो नंबर इंक्रीज हो रहा है या साइज इंक्रीज हो रहा है। यह पहली लाइन है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की यह पहली लाइन है। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें जो पहली लाइन है वो यही है कि ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक आपका इंक्रीज इन नंबर है और एक इंक्रीज इन साइज है। अब देखिए आपके सामने एक एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है। आपके सामने सबसे बड़ा एनिमल है, इस एनिमल का नाम है ब्लू व्हेल। सो ब्लू व्हेल लार्जेस्ट एनिमल है जो अर्थ पे रही है, और देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी है कि इसकी जो टंग है वो करीब करीब उसका वेट एक एलिफेंट जितना हो सकता है। सो ब्लू व्हेल की टंग का वेट कितना हो सकता है? एलिफेंट जैसा हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसने भी अपनी जिंदगी सिंगल सेल से शुरू करी, आपने भी अपनी जिंदगी सिंगल सेल से शुरू करी, उस सेल का नाम क्या है? सो मेरी जिंदगी भी बेटे सिंगल सेल से शुरू हुई, आपकी जिंदगी भी सिंगल सेल से शुरू हुई, इस ब्लू व्हेल की भी जो जिंदगी है वो सिंगल सेल से शुरू हुई। एक और बात बता देता हूं आपको, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यस जायगोट, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी वेरी गुड, एंड तानिशा वेरी गुड, अनिकेत वेरी गुड, अक्षत शर्मा एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ध्रुव दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग आंसर। और मैं आपको बताऊं बेटे, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो जो व्हेल का स्पर्म होता है और ह्यूमन स्पर्म है उसका साइज काफी कंपेरेबल है, काफी कंपेरेबल है। और यहां आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि अगर आप ये बात करें कि ह्यूमन बीइंग कितने बनेंगे एक व्हेल में से, सो इनका नंबर 2667 है, 2667, और दोनों ने एक सेल से अपनी जिंदगी शुरू करी। आपकी बॉडी में करीब 50 ट्रिलियन सेल हैं, मैं बिलियन नहीं कह रहा हूं, मिलियन नहीं कह रहा हूं, मैं शब्द क्या कह रहा हूं, ट्रिलियन। सो एक सेल से 50 ट्रिलियन सेल, और ये 50 ट्रिलियन कल पुर्जे एक मशीन में हमेशा ऑप्टिमम कंडीशन में, आइडियल सिनेरियो में आपकी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसको मेंटेन कर रहे हैं, और किसी भी एक सेल के
अंदर कैंसरस चेंज हो सकता है, इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी वजह से कैंसर हो सकता है. जस्ट ट्राई टू इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटी, द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन विच इज द ह्यूमन बीइंग. ये जो मशीन बनी है जिसके 50 ट्रिलियन कलपुर्जे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हर सेकंड में 50 बार इनका फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. आपका हार्ट एक मिनट में 75 बार, एक घंटे में सोचिए कितनी बार, एक दिन में सोचिए कितनी बार, और उसमें भी दोनों एट्रिया एक साथ, दोनों वेंट्रिकल एक साथ, एट्रिया वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इमेजिन द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन. ये जो चीज है आपको समझ में आ गया कितना इंक्रीज इन नंबर है और इंक्रीज इन साइज है, और ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ग्रोथ का. सो पहला क्वेश्चन तो हमें ये समझ में आ गया एनसीईआरटी की लाइन से कि ग्रोथ को मैं दो तरह से बता सकता हूं, एक इंक्रीज इन नंबर, दूसरा इंक्रीज इन साइज. अब देखिए बेटे, ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये जो साइज इंक्रीज हो रहा है, क्यों कहते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ ओपन होती है. सो एक क्वेश्चन आपके लिए नीट 2023 एस्पिरेंट्स, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो ओपन होती है, बताइए. व्हाई इज इट सेड अनलिमिटेड. यस, देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल व्हिच इज कॉल्ड एज मेरिस्टम, और ये मेरिस्टम लगातार क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, एंड थ्रू आउट ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लांट ये सेल क्या करता रहता है बेटे, डिवाइड करता रहता है. और अभी मैं सीख करके आया हूं कि इंक्रीज इन नंबर भी क्या है बेटे, ग्रोथ है. सो प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ रहती है. एनिमल में बताइए बेटे, व्हाट अबाउट एनिमल, एनिमल में बताइए कि ये चीज प्लांट से कैसे डिफरेंट है. इमीडिएटली आप देख रहे हैं कि इस सेशन में ये इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा. सो मुझे बताइए, व्हाट विल बी द क्लासिकल डिफरेंस और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज और मास इन द केसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है. सो इसमें क्या होती है बेटे, शाबाश, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है. ग्रोथ एक एज तक होती है, एक एज तक होती है, प्लांट में लगातार चलती रहती है. यह दूसरा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं. यह बताइए कि ग्रोथ प्लांट और एनिमल्स में एक दूसरे से अलग कैसे है. आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक में अनलिमिटेड है, मेरिस्टम है, कंटिन्यूअली डिवाइड करते रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, एनिमल सेल्स में एक एज तक करते हैं, उसके बाद आगे ग्रोथ नहीं होती. सो अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यहां पूछेगा, यह बताइए कि अगर एनिमल्स में एक एज के बाद ग्रोथ नहीं होती तो क्या सेल डिवीजन भी नहीं होता. आपने जब कहा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हैपेंस बाय सेल डिवीजन, देखिए बड़े ध्यान से लाइन समझिए एनसीईआरटी की. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे में जो ग्रोथ हो रही है वो किससे हो रही है बेटे, सेल डिवीजन से हो रही है. अब मैं आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल एक चीज ये पूछ रहा हूं कि जो ये ग्रोथ है एनिमल में एक एज में आकर के रुक गई है, इसके बाद सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सेल डिवीजन होता है सर, बहुत बढ़िया बेटे, होता है सर. क्यों? जब वो जरूरत पड़े, बिल्कुल ठीक है सर, रिपेयर के लिए जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है. लॉस्ट सेल्स, सो जो सेल आपकी बॉडी कंटिन्यूअली लॉस्ट कर रही है, उससे उसको भी रिप्लेस करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटे, सेल डिवीजन चाहिए. यू आर गोइंग एब्सोल्यूटली ग्रेट, एब्सोल्यूटली ग्रेट, हेफलिक लिमिट तक. सो यश मावी, हेफलिक लिमिट की बात करेंगे बेटे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में. आरबीसी की लाइफ स्पैन बेटे 120 दिन है, क्या बढ़िया बात है. 120 दिन में बेटे आपके सबसे कॉमन सेल, आपकी बॉडी में जो सबसे कॉमन सेल है वो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल इज द मोस्ट कॉमन सेल, और 120 दिन में बेटे ये रिप्लेस होता है. 1 mm³ में 50 लाख आरबीसी होते हैं, 5 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख. सो 1 mm³ ब्लड में 50 लाख आरबीसी, जस्ट इमेजिन 5 लीटर ब्लड में कितने होंगे. सो हम करीब 20-25 ट्रिलियन सेल की बात कर रहे हैं, और इनको मुझे 120 दिन में क्या करना है, रिप्लेस करना है स्टेम सेल से जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट है, क्योंकि जो मैच्योर आरबीसी है उसके पास डीएनए नहीं होता, और अगर डीएनए नहीं होता तो वो डिवाइड नहीं करेगा. एक और नीट एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने अभी मैंने कराया, प्लीज रिमेंबर, डीएनए प्रेजेंट नहीं है किसके अंदर, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में, इसलिए वो डिवाइड करके नहीं, नए आरबीसी नहीं बना सकता है. इसीलिए जो नए आरबीसी बनेंगे वो बोन मैरो में स्टेम सेल से बनेंगे. जब से मैंने क्लास शुरू की है अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, आपकी बॉडी का जो बोन मैरो है वो लाखों आरबीसी बना चुका है. सो अब हमें यह बात समझ में आ गई कि यह सेल डिवीजन तो ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी में भी कंटिन्यूअली चलता रहेगा, लेकिन उससे ग्रोथ नहीं होगी, केवल रिप्लेसमेंट होगा। इंजरी होगी तो उसको क्या होगा, रिपेयर होगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ सेल को क्या किया जाएगा, डिवाइड कराया जाएगा। एक तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने बिल्कुल ठीक बताया कि लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं, समझ में आ गया, नंबर इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, नॉन लिविंग चीजों के बारे में बताइए, क्या नॉन लिविंग चीजों के लिए भी मैं ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं? यस, चीक सेल्स डिवाइड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे, दिस इज, अब मजा आएगा, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड। ये वो चीज है जो मुझे चाहिए, ये वो चीज है जो मेरे लिए एटीपी का काम कर रही है। सो क्या नॉन लिविंग चीजें ग्रो करती है? इंडियन एक्सप्रेस का एक आपको इंडियन एक्सप्रेस का एक फोटोग्राफ दिखाता हूं। सो ये एक अखबार है, द इंडियन एक्सप्रेस, उसका फोटो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो जगह है, यहां पर आप देखेंगे एक वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, आप सबको पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट कुतुब मीनार, और राइट साइड में गाजीपुर एक जगह है, उसका सैनिटरी लैंडफिल। सो ये एरिया दिखाई दीजिए और ऊपर देखिए कि दोनों में अंतर कितना रह गया है। सो ये शुरुआत इतने से नहीं हुआ था, ये पहले बहुत छोटा था, धीरे 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 बढ़ता चला गया। सो सब लोगों ने क्या कहना शुरू किया कि द हीप ऑफ गार्बेज इज ग्रोइंग इन साइज। सो ये मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया बेटे, ग्रोथ यहां पर किसके लिए, नॉन लिविंग चीजों के लिए। आपके सामने देखिए, दिस इज वेरी वेरी एस्टोनिशिंग। सो ये नंबर केवल 8 मीटर दूर रह गया है जिस टाइम मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस से फोटोग्राफ ली है। सो जस्ट इमेजिन, ये शुरू कहां से हुआ बेटे, बहुत छोटे से, धीरे 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 हमने क्या किया बेटे, ये इकट्ठा करना शुरू किया और ये सैंड फिल में हमने डंप किया डेबरी को, और आप देख रहे हैं कि ये कितना साइज में क्या कर गया है बेटे, ग्रो कर गया है। हिमालय भी ग्रो कर रहे हैं, अभी भी उनकी हाइट क्या हो रही है बेटे, इंक्रीज हो रही है, दे आर वेरी यंग माउंटेन्स। सो हमें पता है कि अभी भी पूरी तरह से ये जितने बड़े होने थे हुए नहीं, अभी भी इनका साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यस, हम नॉन लिविंग चीजों के लिए भी एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रोथ। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर छूटते ही आपसे पूछेगा कि अगर आप ये शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी, तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द ग्रोथ बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म? शाबाश बेटे, शाबाश, ये माउंट एवरेस्ट पे पहुंचेगा। नहीं बेटे, उससे पहले हटाएंगे, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो का बहुत बड़ा असर आया था, गवर्नमेंट काफी ज्यादा किसमें आई थी बेटे, एक्शन में, अब इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है। डू यू नो अबाउट द एनवायरमेंट अवेयरनेस इन द यंग चिल्ड्रन? सो आपने ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा, स्वीडन की है, नोबेल लॉरिएट है, बहुत यंग एज है, लेकिन शी इज वेरी मच अवेयर अबाउट हर एनवायरमेंट। आप ऐसे लोग बेटे मशाल हैं इस देश की, दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, इफ यू आर अवेयर, देन द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आज मैं अपने रिसोर्सेज उस तरह इस्तेमाल करूं ताकि वो आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए, और मेरे साथ में जो बाकी ऑर्गेनिजम्स, इस अर्थ पे मैं अकेला नहीं रहता हूं, इस अर्थ को मैं शेयर करता हूं बहुत से लोगों के साथ में, बहुत से ऑर्गेनिज्म के साथ में, सबका इसके ऊपर इक्वल अधिकार है। बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। So, जिस टाइम पर ह्यूमन बेबी, सो कैन डू यू नो व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ द ह्यूमन बेबी? जनरली ये बात आपको आइडिया है कि जनरली क्या रेंज होती होगी जो ह्यूमन बीइंग्स में जो बच्चा पैदा होता है, जनरली उसकी वेट रेंज, मैं नॉर्मल हेल्दी बच्चे की बात कर रहा हूं, आपके हिसाब से क्या होगा? द आंसर इज 2.5 to 3 kg, बिल्कुल 3 to 5 kg, yes, 2.5 kg मिनिमम होना चाहिए, 3-3.5 kg तक ज्यादातर बच्चे आ जाते हैं, 4 kg बिल्कुल ठीक है। सो आपका रफ आइडिया बिल्कुल ठीक है बेटे, 1.5 kg would be a low birth weight, 1.5 kg would be a low birth weight। देखिए हर लाइन में क्वेश्चन मिल रहा है, आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि कम से कम बर्थ वेट 2.5 kg होना चाहिए, 2.5 kg must be the minimum birth weight। अब देखिए बड़े ध्यान से, so 2.5 kg और 2.5 kg से, अब मेरे जैसा आदमी जो 85 kg है, just imagine बेटे, this has been an increase in the weight, इसमें number of cell भी increase हुआ है, साइज भी इंक्रीज हुआ है, आप देख रहे हैं बेटे के मास भी इंक्रीज हुआ है। आया कहां से? मेरी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म से। दैट मींस जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज इंट्रिंसिक। सो ये शब्द जो आपने इस्तेमाल किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हो रही है वो इंट्रिंसिक है, अंदर बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा
होता है, और जब एनाबॉलिक पाथवे प्रीडोमिनेट करता है, बिल्डिंग एक्टिविटीज ज्यादा होती है कैटाबॉलिज्म से, तो देयर वुड बी एन इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एज वेल। यहां पर क्या हुआ है कि रोज ट्रक जाते हैं और ऊपर से जाकर के कूड़ा फेंक देते हैं। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस वुड बी बेसिकली एक्सट्रिंसिक। सो इसको आप क्या कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक। अब मेरे को एक क्वेश्चन फाइनली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको करना है यहां पर। अब देखिए, ग्रोथ शब्द मैंने खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने नॉन लिविंग चीजों के लिए भी ग्रोथ शब्द इस्तेमाल किया है। दोनों में अंतर है, वो बात ठीक है। और दूसरी चीज ये भी मैं जानता हूं कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, डेड ग्रो नहीं करते। नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग और लिविंग में ग्रोथ के बीच में फंडामेंटल क्या है, एक डिफरेंस है। लेकिन ये जो शब्द है ग्रोथ, ये मैं लिविंग के लिए भी यूज कर रहा हूं, नॉन लिविंग के लिए भी यूज कर रहा हूं। तो ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक तो है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर यह प्रॉपर्टी है तो यह चीज है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ देखते ही आप यह कहें कि इट हैज टू बी लिविंग, इट कैन बी नॉन लिविंग एज वेल। सो दो क्वेश्चन मैंने आपसे कराए बेटे, दो क्वेश्चन आपको बताए, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन लिविंग चीज डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कैरेक्टर हो गया। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या कर रही है बेटे, ग्रो कर रही है। सो हमने ये कहा कि ये क्या है बेटे, शाबाश, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट ऑल इंक्लूसिव। और ये जो एक्सक्लूसिव जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विदाउट एक्सेप्शन कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो हमें एक अपना पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल गया, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक, उसकी भी वजह हमें पता चल गई, इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, उसकी भी वजह हमें पता चल गई। अब देखिए, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी जो दूसरी बात करती है, दैट इज अबाउट रिप्रोडक्शन। सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच आर सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म्स को ब्रीड करना, इसे आप क्या कहते हैं बेटे, रिप्रोडक्शन, दोबारा प्रोड्यूस करना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। और जैसे ही हमारे दिमाग में रिप्रोडक्शन आता है, देखिए बेटे बड़े ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा, बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जब दिमाग में रिप्रोडक्शन आता है, तो हमारे दिमाग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। जैसे ही आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो क्लास 10th एनसीईआरटी याद कीजिए, दो अलग-अलग पेरेंट्स, एक को आपने मेल कहा, एक को आपने फीमेल कहा, मियोसिस हो रहा है जिससे गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो आपने ये कहा कि जैसे ही आपके दिमाग में रिप्रोडक्शन आता है, सो आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्होंने कहा कि दो पेरेंट्स हैं, एक को आपने मेल कहा, एक को आपने फीमेल कहा, और दो प्रोसेसेस देखिए बेटे, एक गैमेटोजेनेसिस है, और गैमेटोजेनेसिस वुड बी बाय रिडक्शन डिवीजन, जिसे आपने कहा मियोसिस, एंड दिस इज फॉलोड बाय सिनगैमी, और सिनगैमी के लिए जो शब्द आता है वो क्या है, fertilization that restores the diploid condition, and this is what maintains the continuity across the generation. So generally हमारे दिमाग में ये आता है। अब इसमें problem क्या है? इसमें problem ये है बेटे, इसमें problem ये है कि जैसे ही आपने ये कहा, so आपने species को एक बहुत narrow तरीके से define कर दिया। ये जो species की definition है, जो Ernst Mayr ने दी थी, so Ernst Mayr ने जिस स्पीसीज की डेफिनेशन को क्या किया है, पॉपुलराइज किया है, क्या आप बता सकते हैं कि उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, हाउ डू यू डिफाइन द स्पीसीज, और ये कौन सी स्पीसीज है जिसे आप डिफाइन कर रहे हैं। सो दो क्वेश्चन आपके लिए। जनरली जब Ernst Mayr की मैं डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि मैं कौन सी स्पीसीज को डिफाइन कर रहा हूं, और उसमें बेसिकली क्या है, व्हाट इज दैट स्पीसीज नोन एज। शाबाश।
सो अक्षत शर्मा का बिल्कुल सही आंसर है, पोटेंशियली इंटरब्रीड बिल्कुल सही आंसर है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। सो इसका मतलब जब आप बात कर रहे हैं, सो दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई कि दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि जब मैं बात कर रहा हूं, सो मैं बात कर रहा हूं बेटे बायोलॉजिकल स्पीसीज की। और बायोलॉजिकल स्पीसीज में देखिए बेटे ध्यान से, मैं केवल आपकी एनसीईआरटी के शब्दों से थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। देखिए दोबारा मैंने क्या कहा, एक स्पीसीज ए एक स्पीसीज बी, इसके ऑर्गेनिजम्स और ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। सो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बेटे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो बिल्कुल ठीक है बेटे, दे आर सेपरेटेड, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो आप कह रहे हैं उसी चीज को मैंने एंट्रेंस में दूसरे शब्दों से बोल दिया है। सो दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली क्लियर आचार्य, आप बिल्कुल ठीक है बेटे नुपुर गुप्ता, थैंक यू सो मच। अब देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसका मतलब यह हुआ कि इस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ प्लीज कंप्लीट दिस डेफिनेशन, दो चीजें आएंगी, एक तो इंटरब्रीड कर रहे हैं और दूसरा ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, वो फर्टाइल होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर सेइंग बायोलॉजिकल स्पीसीज द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग, लेट मी से अगेन, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। आई एम नॉट सेइंग सिंपली ऑफस्प्रिंग, ध्यान दीजिएगा मैंने शब्द इस्तेमाल किया है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। सो जैसे ही मैंने जब ये बात करी तो मैंने गड़बड़ कर दी, मैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को भूल गया। क्या आप जानते हैं टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तेजी से आंसर लिखिए, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? शाबाश बेटे, वेरी फास्ट, वी आर गेटिंग एग्जाम रेडी। यस, म्यूल एंड हिन्नी, क्या बात है, क्या बात पकड़ी है बेटे आपने। वाटर हाइसिंथ को क्या कहा जाता है बेटे? वाटर हाइसिंथ को क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल इन्वेजिव हो गया है हमारे एक्वेटिक बॉडीज में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह लेकर के आए थे, आ बैल मेरी आंख फोड़ हो गई। इसका मतलब ये यहां पर क्या हो गया बेटे? इन्वेजिव हो गया। और वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बताइए जिससे ये फिनोमिनल रेट पर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सो which is the asexual reproductive propagule that is present in Isornia chrysips and it reproduces phenomenally offset। मैं तो यहां पॉलिशिंग का काम कर रहा हूं, इसका मतलब बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। अब आएगा मजा बेटे पढ़ने का, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर आप ऐसे मेहनत करके बैठेंगे, ऐसे आंसर देंगे तो आप मेरे से ज्यादा लेंगे बेटे। आप देखिए, आप मेरे को उत्साहित कर रहे हैं कि मैं आपको चार चीजें और पढ़ाऊं। दिस इज वॉट नीड्स टू बी डन। और इसमें अगर कंसिस्टेंसी आ गई, देर इज नो रीजन दैट वेरी गुड स्टूडेंट्स लाइक यू कैन नॉट गेट थ्रू द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपका डॉक्टर बनने का सपना बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। शाबाश बेटे शाबाश, इस तरह से आप आंसर देते रहिए। ऑफसेट में बहुत तेजी से क्या करता है बेटे, बहुत तेजी से क्या करता है बेटे, रिप्रोड्यूस करता है, वाटर बॉडीज को क्लॉक कर देता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रेजिडेंशियल स्पीसीज मरना शुरू हो जाती है। देखिए इसी तरह से प्रोटोनिमा ऑफ मॉस आपकी एनसीईआरटी कह रही है, वो भी फ्रेगमेंटेशन, याद कीजिए क्लास 10th, यीस्ट में बडिंग, याद कीजिए यीस्ट में बडिंग क्यों होती है। चलिए आज आपको एक होमवर्क और देते हैं, मैंने ये होमवर्क शॉर्ट्स में भी डाला है। सो एक अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो हमारे देखे हैं तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया। मुझे बताइए कि यीस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये होमवर्क है, अगली क्लास में पूछूंगा आपसे। यीस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, फिर भी इसको किंगडम फंजाई में क्यों रखा है, प्रोटिस्टा में क्यों नहीं? ये आइसोलेशन इसलिए बता रहा हूं बेटे कि ये आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, ये इनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। सो अमरजोत सिंह, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर, आइसोलेट है बेटे, इसका मतलब केवल ये ही आपस में ब्रीड कर पाएंगे, ये इन वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ में ब्रीड नहीं कर पाएंगे। आई होप अगर ब्रीड भी कर पाए तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो या तो ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे बेटे, या अगर ब्रीड कर गए तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। अमरजोत, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर, क्या यह बात बिल्कुल क्लियर है बच्चे?
शाबाश बेटे शाबाश। तो अब हमें यह समझ में आ गया, अब हमें यह समझ में आ गया कि हमने ये कहा, हम रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज होते जा रहे हैं, हम इस टर्म को बहुत कैजुअली इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हमने स्पीसीज प्रॉब्लम के बारे में और गहराई से नहीं सोचा। जैसे ही किंगडम मोनरा में ये जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, देन वी आर बिकमिंग एब्सोल्युटली कंफ्यूज। तब हमें समझ में आता है कि जिस टाइम पर मैं बैक्टीरिया को, तो ऐसे समझिए कि आपके पास एक एगार का कल्चर मीडियम है। सो एगार आपने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, उसके ऊपर माइक्रोब्स को कल्चर किया जाता है। सो आपने क्या किया कि एक सैंपल से उस पे स्ट्रीक डाल दी, कुछ जो है वहां पर मान लीजिए एक ट्यूब लिया, इसमें किसी पेशेंट का कोई सैंपल है, उसमें से लेकर के कुछ ये सैंपल को यहां पर आपने ट्रांसफर कर दिया। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि इस वाली शीट के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अगर यहां पर अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो आपको बहुत सारी कॉलोनीज दिखाई देंगी। अब आपको एकदम समझ में आ गया, ये वो टेस्ट है जो कल्चर टेस्ट जो डॉक्टर करता है, यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर। सो वो सैंपल को बेटे एगार पे प्लेट करता है और न्यूट्रिशन मीडियम देता है और कुछ दिनों बाद देखता है, 24-36 घंटे बाद बैक्टीरिया का नंबर क्या हो गया है बेटे, इंक्रीज। तो वो ये कहता है कि यस देयर इज अ ग्रोथ। नहीं होता है तो आपने रिपोर्ट देखी होगी किसी ना किसी की जरूर, जब वो कहते हैं कि 48 घंटे बाद भी ये स्टराइल है, इसका मतलब ग्रोथ नहीं मिली। अब ये शब्द आपने क्या इस्तेमाल किया बेटे, ग्रोथ। और इस ग्रोथ को आपने क्यों किया, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन नंबर, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन नंबर, दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग। सो अगर आप ग्रोथ की ये कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं तो ये बैक्टीरिया, इसका जो नंबर बढ़ता जा रहा है इसे ग्रोथ कहें या इसको बाइनरी फिशन को रिप्रोडक्शन कहें। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। यहां पर पेरेंट कौन है, यहां पर प्रोजेनी कौन है, यहां पर मेल फीमेल नहीं है, गैमेटोजेनेसिस नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है। सो क्या यहां पर स्पीसीज की जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है, इट इज नॉट फाउंड वांटिंग। वो कंप्लीट बेटे तरीके से स्पीसीज को डिफाइन नहीं कर सकती। हमारे पास बेटे 20 से ज्यादा डेफिनेशंस हैं स्पीसीज की, रास्ते में हम भी कुछ देखेंगे। सो हमने ये कहा कि ये जो इंक्रीज इन नंबर है, ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। कुछ भी बोल दो, यस दिस इज करेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर। हमें पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज बताता हूं बेटे, बड़े ध्यान से देखिएगा यहां पर। सो पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें हमें नहीं पता कि ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है। सो वी आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर, वी आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर। दूसरी चीज एक और देखिए बेटे, बड़े ध्यान से, अगर मैं यहां पर देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि देयर इज अ हॉर्स एंड डोंकी, सो दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज। ये अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, इनके बीच में मैंने इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराया। सो इनके बीच में मैंने एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराया और वो हाइब्रिडाइजेशन, लेट अस से दैट देयर वाज अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, और इस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड को हमने कहा म्यूल, इसको हमने क्या कहा म्यूल। सो देखिए ये इंटरब्रीड करे, इन्होंने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग स्टराइल है, ये ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। सो अगर मैं रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहूंगा, सो ये जो म्यूल है जो मेरे सामने चल रहा है, मेरे सामने खाना खा रहा है, मेरे सामने बेटे सारे फंक्शंस कैरी आउट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्या मैं इसको नॉन लिविंग कह दूं? सो ये मेरे सामने बेटे, इसका ग्रोथ हुआ है, इसका वेट बढ़ा है, ये सुबह शाम खाना भी खा रहा है, मेरी मदद भी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में, मैं इसे क्या कहूं? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये स्टराइल है बेटे। और ये स्टराइल क्यों है? क्योंकि देखिए बेटे, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, सो एक हॉर्स में और डोंकी में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक में 64, एक में 62। सो एक के गैमेट में 32 आएंगे, एक के गैमेट में 31 आएंगे। इसका मतलब म्यूल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे बेटे, 63। और याद रखिएगा बेटे इस बात को, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से जो जाइगोटीन स्टेज होती है उसमें जितने होमोलोगस क्रोमोसोम है सब के सब में पेयरिंग होनी चाहिए। पेयरिंग मस्ट हैपन इन ऑल द होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑल अलोंग देयर लेंथ। अगर नहीं हुआ तो स्टेरिलिटी होगी। दोबारा बोल रहा हूं बेटे, अगर ध्यान से समझिएगा बेटे, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में पेयरिंग होनी चाहिए। ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर
नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 23 पेयर। हर एक पेयर में क्या होनी चाहिए बेटे? पेयरिंग, साइनेप्सिस होना चाहिए। इवन एक्स और वाई के बीच में भी साइनेप्सिस होता है। अगर साइनेप्सिस नहीं हुआ तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा और ऑर्गेनिज्म स्टराइल होगा बेटे। यहां प्रॉब्लम देखिए बेटे, इस म्यूल में कुछ क्रोमोसोम हॉर्स के हैं, कुछ क्रोमोसोम किसके हैं बेटे? डोंकी के। और ये दोनों क्या नहीं है बेटे? ये दोनों होमोलोगस नहीं है। अब हमें पता है कि म्यूल के अंदर साइनेप्सिस नहीं होगा, जाइगोटीन याद कीजिए मियोसिस में, और साइनेप्सिस अगर नहीं होगा तो गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, वो गैमेट्स नहीं बनाएगा। ये वो वजह है कि म्यूल स्टराइल होता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक छोटा सा शब्द मैं आपको बताता हूं, वाई और एन। सो जैसे ही मैं आपसे पूछूं ये समझ में आया तो आप वाई और एन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम आगे चलें। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटे? वाई और एन प्लीज। Yes, you are right. It cannot be all inclusive defining characteristic of living organism. This is what we are trying to achieve. So this is absolutely clear. बहुत बढ़िया बेटे, बहुत शानदार बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब अब हमें यह समझ में आ गया कि ये ऑर्गेनिज्म बेटे स्टराइल क्यों है। क्या आपको यह भी समझ में आ गया कि जेनेटिक्स में जैसे लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उसमें एन्यूप्लॉयडी होती है, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है। सो आपको याद होगा लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47, आपको यह पता है बेटे टर्नर सिंड्रोम में 45, so इसमें 22 pairs बन जाएंगे, लेकिन एक unpaired रह जाएगा, इसमें भी एक unpaired रह जाएगा। और जाके देखिए NCERT इन दोनों को sterile बोल रही है, इन दोनों में कह रही है feature है बेटे sterility। so हमें ये समझ में आ गया कि chromosome aneuploidy में sterility common है, chromosomal aberration में sterility common है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो chapter हम शुरू में पढ़ रहे हैं कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है? This is how we are understanding now biology. अब हम इसे रटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। This is not a very very drab chapter. It is a beautiful chapter where we are understanding what exactly is life. So मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, इसकी रेसिप्रोकल क्रॉस, इसकी जो रेसिप्रोकल क्रॉस है उसके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? What is the progeny of this reciprocal cross? बताइए बेटे, बताइए, बताइए, बताइए बेटे, बताइए, बताइए। शुभम सिंह 577EWSUP, वेरी वेरी लाइकली बेटे, वेरी लाइकली, वेरी लाइकली काउंसलिंग बहुत बढ़िया से अटेंड करना बेटे। हिनी, हिनी बहुत अच्छे बेटे। सो दिस इज हिनी, दिस इज राइट। सो हिनी भी क्या होगा बेटे? स्टराइल होगा। सो दिस इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब कुछ ये है कि आपने सेक्सेस को रिवर्स कर दिया है। सो एक में मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, तो आपने फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स दूसरी क्रॉस बनाई, सेक्सेस का एक्सप्रेशन बेटे रिवर्स कर दिया है, उसे हम क्या कहते हैं बेटे? शाबाश, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। और हिनी भी क्या है बेटे? स्टराइल है। ये देखिए बेटे, दिस इज म्यूल, दिस इज हिनी, ये दोनों बेटे आपके सामने, ये दोनों इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड हैं, दोनों स्टराइल हैं, दोनों जिंदा हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते। So, कई ऐसे लोगों को आप जानते होंगे शादी हुए में 20-30 साल हो गए लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इशू नहीं हुआ। अब आप घर जाकर के उनको ये नहीं बोल सकते जी रिप्रोडक्शन नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। सो इसका मतलब आप जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है बेटे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई एग्री, आपने बीच में बिल्कुल सही कंक्लूड किया कि ये जो रिप्रोडक्शन है ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लाइफ की नहीं हो सकती। नॉन लिविंग चीज अपने आप रेप्लीकेट नहीं करता, ये बात सही है, ये बात सही है कि वो अपने आप रेप्लीकेट नहीं करता, लेकिन ये भी बात सही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते। सो अब आप समझ रहे हैं assertion reason में question आपका जो answer one आएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि सारे ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है रिप्रोड्यूस करें, और पक्के तौर पे हमें नहीं पता कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और उससे हमारे सामने एक स्पीसीज प्रॉब्लम आ जाती है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और बात बताइए, देखिए ये जो एक और स्लाइड अभी मुझे दिखाई थी, दिस इज अ प्लेनेरियन। So, ये जो है एक प्लेनेरियन है, फ्लैट वॉर्म है। फ्लैट वॉर्म को प्लेनेरिया आपने 10th में पढ़ा, डुगेसिया पढ़ा, इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। अपनी एनसीईआरटी उठा करके देखिए, उन्होंने लिखा है शब्द खाली रीजनरेशन नहीं लिखा है, क्या लिखा है बेटे? ट्रू रीजनरेशन। अब इसका मतलब समझिए, ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या है? आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, हर टुकड़े से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक लिंब काट दिया और लिंब रीजनरेट हो गया, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक टुकड़े में सारे का सारा ऑर्गेनिज्म बनाने की हिम्मत है। सो ये हम क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज
बेटे, ट्रू रीजनरेशन। ये ट्रू रीजनरेशन आपको किस में देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। इनमें कुछ सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं नियोब्लास्ट। यहां पर जो एक बहुत शानदार डायग्राम है, इसमें कुछ हरे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे जो डॉट्स हैं, दे आर शोइंग द नियोब्लास्ट, कुछ एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं। और किसी भी फ्रेगमेंट में अगर ये नियोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो वो फ्रेगमेंट पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या करेगी? रीजनरेट करेगी। ऐसा नहीं है कि उंगली कट गई तो उंगली रीजनरेट कर लिया। हम कह रहे हैं पूरा ऑर्गेनिज्म, आपकी एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए, देखिए उसमें लिखा है इट इज ट्रू रीजनरेशन। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए मुझे ये बताइए कि सबसे छोटी जिंदा चीज क्या है? What is the smallest thing that can be considered as having an independent existence? ऐसी सबसे छोटी चीज क्या है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये independent existence के capable है? The answer is cell. आपकी NCERT की line आपको याद आ रही है, mycoplasma is also a cell बेटे, it is a bacterial cell which does not have cell wall. So ये भी एक bacterial cell है जिसमें cell wall नहीं है, बिल्कुल ठीक है। PPLO इनका पहले नाम होता था, फिर हमने कहना शुरू किया माइकोप्लाज्मा, इनको जोकर्स इन माइक्रोबियल वर्ल्ड भी कहा जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस, लाइन है आपकी एनसीईआरटी की। एक्सक्लूसिव का मतलब यह होता है कि कोई और नहीं, मैं ही मैं हूं। दिस इज एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव मैंने सबको साथ ले लिया। सो इसका मतलब किंगडम जो है वो बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जैसे ही आप स्पीसीज पे आएंगे वो और ज्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगी, उसमें सारी चीजें इंक्लूड नहीं है। आपने जिसमें से क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल ठीक है नमिता, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। 0.1 to 0.3 माइक्रोन, 2022 का क्वेश्चन था बेटे। बैक्टीरियल फिल्टर से, नॉर्मल बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाता है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि उसका जो साइज है वो 1 माइक्रोन से कम है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। यस दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, दिस इज एब्सोल्युटली। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक क्रॉस में मेल हॉर्स है और फीमेल डोंकी है, सो एक और क्रॉस कीजिए जिसमें उल्टा कर दीजिए, फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स कर दीजिए। इस तरह की दो क्रॉसेस को एक दूसरे का रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। सो वेरी इजी क्वेश्चन येट डिफिकल्ट। ये सब आप ये समझिए कि इसीलिए बेटे वायरस इज नॉट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सो मेरे सामने एक और क्वेश्चन आ गया बेटे। अब मैं अगर आपसे 2023 में क्वेश्चन ये पूछता हूं कि मेनी साइंटिस्ट डू नॉट कंसिडर वायरस एज अ लिविंग थिंग, सो आप बिल्कुल क्लियरली कह देंगे ये बात सही है। ऐसे लोग ये मानते हैं कि कोई भी चीज जो सेल से छोटी है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एनसीईआरटी की लाइन देखिए बेटे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मैं ये कह रहा हूं वायरस ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, सेल के अंदर घुस गया, होस्ट सेल के अंदर, तो मेटाबोलाइज भी करता है, ग्रो भी करता है, इवॉल्व भी करता है। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 उसने पूरी दुनिया हिला रखी है बेटे, वो इवॉल्व भी कर रहा है। आपको पता है नए-नए वेरिएंट आ रहे हैं, आपको पता है कुछ ही महीनों में नया वेरिएंट आता है, खत्म नहीं होने का नाम ले रहा, और हमारे सेल के अंदर जाके हमारी मशीनरी इस्तेमाल करके और एक्चुअली लंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स में वो एंटर कर पा रहा है, और खास तौर पे उसमें जहां पर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाई लेते हैं, आप सब जानते हैं कोविड के बारे में। सो मेरा मतलब ये है कि ये बात सही है कि अगर ये सेल के अंदर घुस गया तब ये बेटे क्या करेगा? सारा काम करेगा, ग्रो भी करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा, अपना नंबर भी इंक्रीज करेगा, इवॉल्व भी करेगा, और हमसे ज्यादा तेजी से इवॉल्व करेगा। हम धड़ाधड़ वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, हम भी इसके साथ एक जंग लड़े हुए हैं। इतनी ज्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन कभी नहीं देखी। आपकी आंख के सामने एक बहुत बड़ी विक्ट्री बेटे, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और जो कोऑपरेटिव साइंस जो सब लोगों ने मिलकर के काम किया है 10-11 महीने में, इसके खिलाफ क्या बना ली वैक्सीन, और सब लोगों ने आपने वैक्सीन ले ली। आप देख रहे हैं कि साइंस कितनी पावरफुल चीज है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से क्या क्या अचीव किया जा सकता है। तो कहने की बात यह हुई कि यह वायरस कंप्लीट सेल नहीं है, इट इज सब सेलुलर, यह बाहर जाकर के इनर्ट पड़ा रहता है, इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, लेकिन ये सेल के अंदर घुस गया तब गड़बड़ है। सो हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कम से कम क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए, और इसीलिए कम से कम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से कम इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। लेकिन फिर रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखे अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से,
से, वो क्या सेल जिंदा थे? बताइए हाँ या नहीं। रॉबर्ट हुक ने जिसने सेल को डिस्कवर किया उसकी एक किताब थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और उन्होंने एक डायग्राम आपने देखा होगा बड़ा फेमस डायग्राम, हनीकूंब की तरह से कुछ जो है वो इस तरह से सेल का एक उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है और वो एम्प्टी दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है बेटे? शाबाश, डेड है। इसका मतलब केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं चलेगा, इस सेल के अंदर कुछ और होना चाहिए। जो एनसीईआरटी कह रही है ये बात तो सही है कि सेल से छोटी चीज जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन इस सेल के अंदर क्या चीज होनी चाहिए तब मैं उसे लिविंग कहूंगा। शाबाश, बताइए बेटे। यहां पर आपको अगली लाइन एनसीईआरटी की समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर कुछ होना चाहिए। यस, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपने बिल्कुल ठीक कहा बेटे, क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म। सो आपने ये कहा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए बेटे? मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, हर एक कैटलाइज्ड बाय अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज एन एंजाइम। सेल साइकिल, सेल में जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसकी लाइन याद कीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है जो एंजाइम कैटलाइज नहीं करता। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि CO2 जो पानी में डिजोल्व होता है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है बेटे? एंजाइम कैटलाइज्ड प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जो चीज मैं ढूंढ रहा हूं वो क्या है बेटे? मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। आरबीसी में भी एटीपी बनाने की हिम्मत होती है, वो केवल बेटे एक डिफरेंट तरह का ग्लाइकोलिसिस पाथवे से एटीपी बनाता है। ऐसा नहीं है कि आरबीसी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। हो सकता है उसके अंदर, आप जानते हैं, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गॉल्गी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म है जो आप शब्द कह रहे हैं, वहां पर वो क्या बना सकता है बेटे? एक स्लाइटली डिफरेंट ग्लाइकोलिटिक पाथवे से एटीपी बना सकता है। मेटाबॉलिज्म अभी भी हो रहा है। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सो आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक चीज होती है कैटाबॉलिज्म, एक चीज होती है एनाबॉलिज्म, और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये कंटीन्यूअस फ्लक्स में क्लास 10th एनसीईआरटी पे मैं वापस जा रहा हूं, ये है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो क्लास 10th एनसीईआरटी आपको बता रही थी, जिसकी वजह से लिविंग प्रोसेसेस चल रहे हैं। जहां पर आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी ने कहा था कि लिविंग प्रोसेसेस का मतलब ये वो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है जो आपके सेल में हो रहा है, जो कंटिन्यूअसली बन रहे हैं, टूट रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जिंदा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद मेटाबॉलिज्म, ये बेटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की। सो पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई, अगर जिंदा है तो कम से कम सेल होगा और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूविक एसिड में, दिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें 10 क्या होते हैं बेटे? मेटाबॉलिक स्टेप्स होते हैं। This is absolutely clear. So, हमें ये समझ में आ गया कि cellular organization with metabolism. So, cellular organization with metabolism is now a defining property. अगर metabolism नहीं है, तो cell organization होने के बावजूद जिंदा नहीं है, और अगर cell नहीं है, तो अकेला जिंदा नहीं रह सकता। तो हमें तो cell भी चाहिए, उसके अंदर protoplasm भी चाहिए, और उसके अंदर metabolic reaction भी हो रहे हो, तब हम कहेंगे कि हाँ, अब ये चीज क्या है? जिंदा है। एक और चीज समझिए, आपकी एनसीईआरटी की लाइन और समझाता हूं यहां पर। ये एक सेल है, इस सेल में लेट अस से 4-5 ये सब सेलुलर और ये ऑर्गेनलीज है। इस ऑर्गेनली के अंदर ए और ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, लेकिन इसको इन्फ्लुएंस बेटे सी डी ई और एफ, ये सारे के सारे इसको क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो पूरे सेल में इसको स्टडी करना आसान काम नहीं है। दोबारा समझिए, ये एक सेल है, सेल के एक कंपार्टमेंट में ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बाकी कंपार्टमेंट इसको क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ नहीं आ रही। आप एक सेल फ्री सिस्टम बनाइए, सेल फ्री सिस्टम में इसको सेंट्रीफ्यूगेशन में डालिए। सो आपको याद होगा स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट पे घुमाइए सेंट्रीफ्यूगेशन में, और ये चीजें अलग हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये वाली चीज जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी में, इसको आपने अलग कर लिया। इस चीज
को, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, ये जो चीज है इसे मैं कह रहा हूं दिस इज अ सेल फ्री सिस्टम। अभी अपनी एनसीईआरटी खोलिए, जहां पर मैंने सेल ऑर्गेनाइजेशन विद मेटाबॉलिज्म की बात की है, वहां पर आपकी एनसीईआरटी सेल फ्री सिस्टम की बात कर रही है। मुझे उम्मीद है बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा कि यह सेल फ्री सिस्टम क्या है। आपको यह पता लग गया कि इस क्लास में हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी के एक एक शब्द को क्या कर रहे हैं बेटे, क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस मार्शल निरनबर्ग, सो यस यश मावी, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, मार्शल निरनबर्ग का सेल फ्री सिस्टम। एंड बेटे आप दोबारा पढ़ेंगे इसको कि जेनेटिक कोड को डिसाइफर करने में इसकी मदद मिली थी, सो दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर। और इसके अंदर ये जो रिएक्शन है, ये आप सेल के बाहर, बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में जो ग्लास की बनी है उसमें दिखा रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं इन विट्रो। यहां पर देखिए ये लिविंग थिंग है, ये सेल जिंदा है, इसके अंदर का रिएक्शन आप बाहर भी दिखा रहे हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी लिख रही है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द लिविंग सेल इन विट्रो। मुझे उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। बहुत बच्चे मेरे पास ये लाइन लेकर के आते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, मुझे अब ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए बेटे। This is how I think this is now absolutely clear. शाबाश बेटे, तो अब हमें समझ में आ गया कि isolated metabolic reactions can be demonstrated in cell-free system outside the cell. लेकिन ये living thing नहीं है बेटे, क्योंकि ये complete cell नहीं है, लेकिन living reaction है। यही reaction इसके अंदर भी हो रहा है, बाहर ये living reaction है पर living thing नहीं है। So ये जो line है आपकी NCERT की, जो confusing line है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। I hope this is now absolutely clear. Yes or no बताइए बेटे, yes or no बताइए। देखिए बेटे mRNA बहुत तेजी से बनता है, सो एक जब जीन एक्टिव होती है तो वो बहुत तेजी से ट्रांसक्राइब होती है लार्ज नंबर ऑफ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए बेटे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से कहां बाहर आते रहेंगे बेटे, साइटोप्लाज्म में बाहर आते रहेंगे। सो आई होप दिस हेल्प्स, शाबाश बेटे शाबाश। So yes, cellular organization with metabolism becomes a defining property. So this is absolutely clear, a living cell. और living cell का मतलब क्या है बेटे, उसके अंदर क्या हो रहा है, metabolism. और हमने ये कहा ये जो isolated metabolic reaction है जो body के बाहर है, इनको अगर हम ये कहा कि ये जो है बेटे ये living reaction तो है पर living thing नहीं है। I hope this is now absolutely clear. No, cellular organization is a defining property provided the cell is living. Cell is living if there is metabolism. अभी देखिए बेटे चांदनी जैन, अभी बेटे biomolecule chapter उठाइए और बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में एक स्टेट है लिविंग स्टेट, एक छोटा सा सेक्शन है उसमें एक लाइन पढ़िए, उसमें लिखा है लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस, विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। ये वही लाइन है जो यहां से हमने कोरिलेट किया। सो अभी आप बायोमॉलिक्यूल में जाकर के अगर इस लाइन को देखें, जहां पर आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियरली कह रही है कि लिविंग स्टेट का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म, बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट नहीं हो सकता। इन विट्रो बेटे जनरली शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बॉडी के बाहर हो रहा है, विट्रो शब्द जब इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए करते हैं कि कोई अपरेटस ग्लास का बना है, क्योंकि ज्यादातर जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बेटे ग्लास के बने होते हैं, जैसे पेट्री डिशेस, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लास्क एटसेट्रा, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है इन विट्रो। मुझे उम्मीद है ये भी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। यस अमरजोत, लिविंग स्टेट इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो देखो बेटे उमंग, मैं ये कह रहा हूं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द मैसेंजर आरएनए, सो दिस टाइम पर बेटे ट्रांसलेशन पहुंच रहा होगा, बनना कहां शुरू होगा, न्यूक्लियस के ट्रांसपोर्ट कहां होगा, बाहर में। सो इसका मतलब एट एनी मोमेंट आई एक्सपेक्ट एकदम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, आप एमआरएनए की बात कर रहे हैं, सो मेरे हिसाब से आप बात कर रहे हैं जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होता है, आप एचआरएनए की बात नहीं कर रहे हैं, दैट दिस हैज टू बी इन द साइटोप्लाज्म, इट हैज टू बी इन द साइटोप्लाज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एचआरएनए एंड द बेटे फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। आई होप दिस इज नाउ क्लियर, शाबाश बेटे, शाबाश 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 शाबाश। Yes, metabolism हो रहा है बेटे। और याद कीजिए बेटे, कुछ सेल को कुछ सेल मदद करते हैं, किसी का नाम है कंपेनियन सेल, किसी का नाम है बेटे एल्बुमिनस सेल, ये क्या करते हैं बेटे, शाबाश। सेल फ्री सिस्टम का मतलब ये है कि सेल का कोई कंपोनेंट अलग कर दीजिए, पूरे सेल को नहीं पढ़ रहे हैं आप, से फॉर एग्जाम्पल खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग कर लिया और उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनको पूरे सेल फ्री सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। ये काम निरनबर्ग, मेथाई और हरगोविंद खुराना जिस टाइम पे जेनेटिक इंजीनियरिंग
जब जिस टाइम पर जेनेटिक कोड डेसिफर हुआ था ये काम भी किया गया था, बहुत अच्छे। इन विट्रो ब्लड क्लॉटिंग PYQ इज ओनली रिटन एज ओनली mRNA, इन PYQ इट इज रिटन ओनली एज mRNA। ओके सो mRNA बेटे, आई वुड से दैट दिस वुड बी द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, सो माई आंसर वुड बी दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड इमीजिएटली आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, सो वी विल फाइंड मोर एंड मोर mRNA इन दिस साइटोप्लाज्म। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब ये बात उमंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बता दिया बेटे आंसर शुड बी इन साइटोप्लाज्म। ओके अब देखिए, अब एक और, अगर सेल, लेकिन एक चीज देखिए बेटे, अगर चलिए जीन एक्टिव है इसका मतलब एक्टिवली क्या हो रही है, ट्रांसक्राइब। और हम ये कह रहे हैं पहले जो ट्रांसक्रिप्ट होता है यूकैरियोटिक सेल में HNRNA, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद एकदम कहां चला जाता है बेटे, बाहर। बाहर क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम पे क्या होता है बेटे, शाबाश, राइबोसोम में क्या होता है, नहीं बेटे, फिर ये RRNA होना चाहिए। अगर ये न्यूक्लियोलस है तो RRNA होना चाहिए। सो न्यूक्लियोलस इज द रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राइबोसोमल RNA। इस क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए बेटे, mRNA की जगह इट शुड बी RRNA, राइबोसोमल RNA। आई होप नाउ दिस इज क्लियर, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। सो अगर आप mRNA की बात कर रहे हैं देन दिस इज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन शुड बी ऑन राइबोसोमल RNA, दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। आई होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सेल फ्री सिस्टम समझ में आ गया, हमें अपनी पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल गई बेटे। हमने कहा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक चीज देखिए बेटे, एक और चीज देखिए, मैं ये कह रहा हूं मैं किसी चीज का एनवायरनमेंट चेंज कर रहा हूं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वांट अ वर्ड फ्रॉम यू। मुझे एक शब्द चाहिए, मैं यहां पर टच कर रहा हूं, गर्म डाल रहा हूं, ठंडा डाल रहा हूं, मैंने यहां का एनवायरनमेंट क्या किया, चेंज किया, तो मुझे ये बताइए बेटे कि इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज द चेंज इन एनवायरनमेंट कॉल्ड। सो चेंज इन एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं बेटे, बताइए। So what is the change in environment called? शाबाश बेटे, change in environment, किसी ने बहुत शानदार आंसर दिया बेटे, this is stimulus. So अगर मैं आपके ऐसे पिंच बहूं तो आप क्या करेंगे, अगर मैं बहुत तेजी से पिंच बहूं तो आप क्या करेंगे, बताइए बेटे, what will happen? अगर कहीं पे हाथ किसी ऐसी जगह चले जाए जहां पे गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, सो क्या होगा, देयर विल बी अ रिस्पॉन्स। और देखिए ये रिस्पॉन्स पर्पजफुल रिस्पॉन्स होगा। सो देखिए मैंने एक छोटा सा एडजेक्टिव यूज किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कॉन्शियस है वो चेंज इन एनवायरमेंट को जज करता है, जिसे स्टिमुलस कहते हैं, और उसको पर्पजफुली रिस्पॉन्स करता है। खाली रिस्पॉन्स नहीं बेटे, आप NCERT में शुरू में देखिए, जहां पर बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, इट हैज टू बी अ डायरेक्टेड रिस्पॉन्स। इसकी वजह से होमियोस्टेसिस मेंटेन होना चाहिए। अगर कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं तो वहां से माइग्रेट कर सकता हूं, याद कीजिए इकोलॉजी, मैं सस्पेंड कर सकता हूं डेवलपमेंट, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज, लेकिन वो चीजें मेरे अंदर की कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने में मदद करनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द लिविंग organism, this is what is called as consciousness, and without fail this is the defining property, one more defining property of living organism. So ek aur defining property kaun si hai bete, consciousness hai. Jitne bhi living organism hai, simple se simple bacteria se leke complex se complex bete, 50 trillion cell wala human being, wo judge karta hai change in environment ko. Ek receptors hote hai body mein, wo receptors judge karte hai, central nervous system usko analyze karta hai, aur aap ek पर्पजफुल रिस्पॉन्स करते हैं। सो जिस तरह से आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से एक तार जाता है CPU में, CPU से एक तार जाता है या तो मॉनिटर के ऊपर या प्रिंटर के ऊपर, सो यहां पर आप कुछ फीड करते हैं, आपका CPU उसको एनालाइज करता है और रिजल्ट आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के यहां पर भी हमने कहा पेरिफेरी में बहुत सारे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचेगी, आपके CPU में, इसे आप CNS कहेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये पुराने जो मेमोरी है उसके हिसाब से एक इफेक्टर्स तक इस बात को पहुंचाएगी और आपको रिस्पांस दिखाई देगा, लेकिन ये रिस्पांस इस चीज को मेंटेन करने में मदद करेगा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी है। ये रिस्पांस इरेटिक नहीं हो सकता, ये रिस्पांस पर्पजफुल होगा, इवॉल्वड रिस्पांस होगा, और ये वो रिस्पांस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कॉन्शियस है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो
सेरिब्रम है और एक और पार्ट होता है, इसे कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, मेडुला ओब्लॉन्गाटा से थैलेमस तक जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है इनटू ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। इस पूरे एरिया को हम कहते हैं गेट कीपर टू द कॉन्शियसनेस, इसे हम कहते हैं बेटे शाबाश, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, और रेटिकुलर फॉर्मेशन इज द गेट कीपर टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। सो हमारे पास दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आ गई, हमने ये कहा कि कॉन्शियसनेस, यस यस यस, सो होमियोस्टेसिस इज द रिजल्ट ऑफ एन इंट्रैक्शन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे आपके सेल के पास के एनवायरमेंट को क्या रख रहे हैं बेटे, कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर, एब्सोल्यूटली क्लियर, एब्सोल्यूटली क्लियर, एब्सोल्यूटली क्लियर। बीटा गैलेक्टोसाइडेस के बारे में बेटे बात करेंगे, जेनेटिक्स में बात करेंगे, और देखूं जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन भी लिविंग स्टेट को डिफाइन कर सकता है क्या, सेल के अंदर जो भी रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज हो रहा है सेल की बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो वो जो सेल है और उसके अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है रेप्लिकेशन में भी बट एंजाइम इस्तेमाल होता है। सो आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को सब्सट्रेट और सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल करता है। आई होप दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर। सो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, होमियोस्टेसिस को प्रोसेस लिखा है। देखिए बेटे इधर देखिए बड़े ध्यान से, हम ये कह रहे हैं, अब देखिए बेटे ये आप एक ऑर्गेनिज्म है, पहले ध्यान से समझिएगा, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो जिसमें मैं रह रहा हूँ वो क्या है बेटे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। मैं बनाऊँ बहुत सारे सेल के, जिसमें मेरे सेल रह रहे हैं वो क्या है बेटे, इंटरनल एनवायरनमेंट है, और मेरे सारे ऑर्गेनिज्म इसके चारों तरफ कॉन्स्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो स्टेट है दैट इट इज एन इंटरनल स्टेडी स्टेट दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन स्पाइट ऑफ एवर चेंजिंग एक्सटर्नल स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। इसको हम क्या कहते हैं बेटे, होमियोस्टेसिस कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये आप कहीं और जा रहे हैं बेटे, सिकल सेल एनीमिया। सो अब देखिए कॉमा पेशेंट पे आप लोगों ने बात किया, इधर देखिए यहां पर एक चीज समझिए, ह्यूमन बीइंग्स में आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये सेल्फ कॉन्शियस भी है। सो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस है। एक क्वेश्चन को बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं, काफी कंफ्यूज करते हैं, देखिए बेटे इसको थोड़ा धीरे से करते हैं। देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज ब्रेन डेथ। सो ये वो क्वेश्चन है जिसे कई बच्चे काफी परेशान होते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं बेटे, इसे हम कह रहे हैं ब्रेन डेथ। सो ब्रेन डेथ में बीच में एक शब्द आप और लिख सकते हैं, इसे आप एक्चुअली ये कहेंगे ब्रेन स्टेम डेथ। सो जनरली ये शब्द किसके लिए है बेटे, ब्रेन स्टेम डेथ। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 100% पता है कि ब्रेन स्टेम किसे कहा जाता है। सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसे कहा जाता है बेटे, ब्रेन स्टेम किसे कहा जाता है, मेडुला एंड पॉन्स और मिड ब्रेन। सो बेटे हम किसको कहते हैं, इधर देखिए ये बेटे आपका पॉन्स है, ये मेडुला ओब्लॉन्गाटा है और इसके ऊपर मिड ब्रेन है। सो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लॉन्गाटा, इसको मिलाकर के हम क्या कहते हैं बेटे, ब्रेन स्टेम। और यहीं पर देखिए बेटे मेडुला ओब्लॉन्गाटा में रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, स्वेलोइंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, यहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सो सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेसेस कहां पर लोकेटेड है, मेडुला ओब्लॉन्गाटा में। सो ब्रेन डेड वो है जो खुद जिंदा नहीं है, इट इज डेड, द पर्सन इज डेड, उसको लाइफ सपोर्ट पर, उसके लाइफ सपोर्ट पे उसको एक हमने एक लंग एक वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, जो वेंटिलेटर उसको सांस दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं उसकी चेस्ट की मूवमेंट हो रही है लेकिन उसके अंदर कोई रिफ्लेक्सेस नहीं है। अगर आप आंख खोल करके उसकी प्यूपिल पे अगर लाइट डालेंगे तो कोई भी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नहीं होगा। ब्रेन स्टेम एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, आपको ब्रेन वेव्स नहीं दिखाई दे रही है, चांसेस ऑफ रिकवरी इज एब्सोल्युटली जीरो। हो सकता है कि आपका जो वेंटिलेटर या हार्ट लंग मशीन है कुछ देर के लिए उसकी हार्ट बीट और उसके रेस्पिरेटरी मूवमेंट को जारी रखे हुए हो, लेकिन जैसे ही आपने ये लाइफ सपोर्ट हटाया तो वो कुछ ही टाइम में बेटे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, द पर्सन इज ऑलरेडी डेड। सो ब्रेन डेड जो पर्सन है इज लीगली डेड, कैन नॉट रेस्पायर ऑन हिज ओन, अपने आप रेस्पायर नहीं कर सकता, कोई भी ब्रेन एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है और कोई चांस नहीं है रिकवरी का, इसे आप क्या कहते हैं बेटे, ब्रेन डेड। सो ये
इंडिया में भी इसके ऊपर लेजिस्लेशन है, हमें पता है ब्रेन डेड, और लेकिन ब्रेन डेड में आप इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे LC ELSI एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज है। सो फिर समझ लीजिए, ब्रेन डेड बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, जो ब्रेन स्टेम है इसकी डेथ, कोई भी ब्रेन एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही है, अपने आप ब्रीद नहीं कर सकता है, इसको केवल लाइफ सपोर्ट पे जिंदा रखा हुआ है। लाइफ सपोर्ट हटा दी तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये लीगली ऑलरेडी डेड है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्यूटली क्लियर। कॉमा में हमने कहा कि एक एक्सटेंसिव बेटे ब्रेन डैमेज है और एक अनकॉन्शियसनेस है। इस अनकॉन्शियसनेस से रिकवरी पॉसिबल है, कब होगी कितनी होगी पता नहीं, पर अभी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं, ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। इस तरह की चीज को आप कहेंगे कॉमा, और इसमें अगर ये कॉमा लंबा चला गया, कुछ हफ्तों से आगे चला गया, तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट में हो सकता है कि आंख खोल दे, ओपनिंग हो, लेकिन विल नॉट बी अवेयर ऑफ दी सराउंडिंग, अवेयरनेस नहीं होगी अपने सराउंडिंग की। सो तीन चीजें मैंने आपको बताई, ब्रेन डेथ किसे कहते हैं, मैंने कहा कॉमा किसे कहते हैं, और वेजिटेटिव स्टेट किसे कहते हैं। ये वेजिटेटिव स्टेट बेटे सालों साल चल सकती है, सालों साल चल सकती है। सो ये जो है बेसिकली ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। सो हमने कहा ब्रेन डेथ में तो रिकवरी की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कॉमा में हमने कहा कोई अवेयरनेस नहीं है, आंख नहीं खोल रहा, कोई अवेयरनेस नहीं है सराउंडिंग की, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर ये और खिंच गया तो हम इसे कहेंगे वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट में आई ओपनिंग हो सकती है, लेकिन हम कोई पर्पसफुल अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग नहीं होगी। वेजिटेटिव स्टेट में रिकवरी के चांसेस पॉसिबल है, कभी भी हो सकता है। आपने शायद कभी अगर अखबार पढ़ा है तो शॉन बाग, एक इंडिया में एक बड़ा 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 इंपॉर्टेंट केस था, करीब 40 साल तक दिस पेशेंट एक्चुअली दिस लेडी रिमेंड इन अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम जब मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, एक ग्लासगो कॉमा स्केल होता है, उसके ऊपर देखते हैं कि क्या फंक्शन है, और अगर ये आगे चलता जा रहा है तो अब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वेजिटेटिव स्टेट। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्यूटली क्लियर। सो हमें ये समझ में आ गया कि दो चीजें बेटे, एक तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद मेटाबॉलिज्म, और दूसरा मुझे ये समझ में आ गया कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कल शाम 6 बजे हम एक और क्लास लेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे बेटे, और सुनिए बड़े ध्यान से, मैं शुरू करूंगा इमरजेंट प्रॉपर्टीज से। इमरजेंस किसे कहते हैं, आपकी NCERT कहती है कि इमरजेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट एग्जैक्टली आर द इमरजेंट प्रॉपर्टीज, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, वी विल अंडरस्टैंड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की टुमारो 6 PM। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके, मुझे उम्मीद है आपको भी इससे फायदा होगा। सो आई थिंक काफी इंटेंसिव हमारा एक ये सेशन रहा, उम्मीद है आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो जरूर देखिए एक बार बेटे, NCERT जरूर देखनी है। सो अल्टीमेटली घुमा फिरा करके बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो बाइबल है वो क्या है बेटे, NCERT, एंड बोथ ऑफ अस विल एक्चुअली ट्राई टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स इन नीट 2023। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।